अवैध जल दोहन कर रहे टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मारकर गंभीर अवस्था में घायल कर दिया। हिंदुस्तान जिंक में अवैध पानी का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 24 घंटे जिंक में पानी के ठेकेदार दलालों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अवैध दोहन किया जा रहा है, जिससे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम व दूध डेयरी के टैंकर्स भरकर अवैध रूप से हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है। इन पानी से भरे बल्कर्स व टैंकर्स को लगातार 24 घंटे इन सड़कों पर सरपट दौड़ते देखा जा सकता है। साथ ही इनको सड़क पर पानी बिखेरते हुए भी देखा जा सकता है, जो सड़कों पर लगातार हादसे व प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। आज दोपहर में पुटोली ओवरब्रिज पर चित्तौड़गढ़ की ओर से तेज गति से आते हुए इंडियन ऑयल के एक टैंकर ने रेवलिया निवासी शंभूलाल गाडरी को चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर हिंदुस्तान जिंक की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने संबंधित थाने व पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर व बाइक को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की गई।